चलते हैं। और क्या प्लान है आपका? वही रुक 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 के एयरपोर्ट देखने हैं और गीतांजलि सैलून जाना है और बंगला साहब गीतांजलि सैलून भी जाना है। वही शैम्पू लेना है ना मुझे? हाँ शैम्पू लेना है को और तुझे और उसके बाद वो पाउडर वाले तीन चीजें पापा साथ जा रहे हैं ना। हेलो व्यूअर्स, आज है 29 तारीख, दोपहर का टाइम है। ये साग है, ये देखिएगा। मैंने पता है मूली के पत्ते थे ना जो, उनको कल धो के उबाल दिया था, उसमें एक दो मुट्ठी डाले थे दूसरे पत्ते, थक गई थी भी मैंने इससे ज़्यादा नहीं करा। अभी इतना सा ये साग मैंने मैश कर लिया था, मतलब उसको मिक्स कर लिया था ग्राइंडर से, उसका इसमें तड़का लगाया था, सारा ख़त्म हो गया, इतना सा बचा है। अभी इसको मैंने खाना है। बच्चों ने रोटी खा ली है, हाँ बच्चों ने खाना खा लिया है, हस्बैंड खा रहे हैं और मैंने खाना है अभी खाना। फिर देखिए मैंने खाना है, रोटियाँ बनी पड़ी हैं, अभी चौपड़नी है, फिर एक हस्बैंड खा रहे हैं आराम से खाना। अब वो साग बड़ा अच्छा बन गया, पता नहीं मेरे को तो समझ नहीं आया बन कैसे गया। मूली के पत्तों को देख लो, मूली के पत्तों से भी इतना अच्छा साग बन जाता है। उसमें बस एक दो मुट्ठी पालक डाली, बाकी अभी पालक बाहर पड़ी है, अभी धो के मैंने इसको भी उबालना है और फिर ग्राइंड करके रखना है। देखो 4:30 हो गए, हाँ 4:30 का टाइम है, एकदम कैसा मौसम हो गया, ठंडा ठंडा कूल कूल। ये देखो कितना प्यारा मौसम है ना, बाहर घूमने वाला ही मौसम है ना, देखा जाए। अभी जा रही बाहर, मैं कहा जा रहा है 2 मिनट के लिए देख लो, बाहर का व्यू दिखा देते हैं। साथी चली गई क्या? नहीं जा रही है अभी, अभी नहीं गई, ये खड़ी हो गई जाकर, जा रही लल्ला अंकल के घर। मैं खाना भिजवाया उनके लिए, वाइट वाले लिफाफे में। बाय बाय। ये तो सीधी जा रही है, तो उधर को जाना है क्या? किधर को जा रही है? हैं उधर को भी जा रही, सीधी जा रही है। अच्छा सीधी जा रही है, ये देखो सीधी जा रही है, सीधी वो जा रही है सीधी। दूसरे रास्ते से भी आ सकता है, वैसे इधर से भी आ जाता है। सर का काम है, हैं कितना हुआ वैसे, कितने परसेंट हुआ है, कितने परसेंट हो गया? वैसे तो करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन अभी कितना का टाइम और लग सकता है? लग ही जाएगा, काफ़ी है। अच्छा आज का टाइम लगता है। हेलो व्यूअर्स, आज 29 तारीख है और आए ना रात के 8 बजे हैं। मैं घर से बाहर आ गई हूँ, ये देखो लाइटें, ये साथ वाले घर की लाइट अच्छी लग रही है, पर इसमें अच्छे से नहीं आ रही। अच्छी तो लग रही है पर इसमें आ नहीं रही अच्छे से, हमारी लाइट हो रही बेकार लग रही, इतनी अच्छी नहीं लग रही। नीचे वाले पार्लर की लाइट है, ऊपर वाली हमारे घर की बुझ गई, अभी जलेगी दोबारा, अभी जलेगी, जल गई साथ वाले घर की बोरी। मैं कहा थोड़ा बाहर का व्यू दिखा देते हैं आपको, ये देखो अच्छी लग रही है लाइटें। हम पता कहाँ जा रहे हैं, हम कहीं जा रहे हैं बाहर, पहुँच के ही बताएंगे। ये देखिए वो घर शादी में लाया हुआ लग रहा है, कितनी प्यारी लग रही है ना लाइटें उनकी, बहुत ही अच्छी लग रही है। और इधर की भी दिखाती हूँ मैं आपको, ये भी शादी में, ये घर की भी लाइटें देखो कितनी सुंदर लग रही है, बड़े अच्छा लगता है लाइट देखना है ना, शादियों की तरह सारे घर सजे होते हैं। अभी रास्ते में और लाइटें आएंगी तो दिखाऊँ। ये देखो लाइटें कितनी अच्छी लग रही है ना, कितनी प्यारी लग रही है, जिनकी भी लाइट अच्छी लगेंगी ना उनकी दिखाऊंगी आपको। ये देख सामने घर की ये वाली लाइटें कितनी प्यारी लग रही है, जिसके कई लोगों ने तो बंदी कर ली है अपनी, हमने वो सामने की लाइटें अच्छी लग रही है, इनकी भी अच्छी लग रही है, चमकती हुई रंग बिरंगी प्यारी लग रही है, वो भी अच्छी लग रही है, वो इसमें आने निकली है। ठीक है आगे का दिखाती हूँ थोड़ा, शायद अगले घर में भी अच्छी लगी है, आज जाके शायद बढ़िया हो जाए, देखती हूँ। ये घर में लगी है रंग बिरंगी लाइटें, ये अच्छी लग रही है पर इसमें ना आ नहीं रही बिल्कुल क्लियर। देखो लाइटें भी अच्छी लग रही हैं, इनकी भी प्यारी लग रही हैं लाइटें है ना, और ये भी अच्छी लग रही है, अब अच्छी क्लियर आई हैं लाइटें, ये आई है क्लियर पूरा, देखो सुंदर सजा रखा है बढ़िया। सामने वाले घर की लाइटें भी अच्छी लग रही हैं, उधर की सामने। हम पैदल चल के जा रहे हैं वहाँ तक स्टैंड तक, तो रास्ते में जो घर आएंगे उनके, ये देखो ये घर की लाइटें भी बहुत प्यारी लग रही हैं देखो है ना, वो घर की ब्लू वाली भी अच्छी लग रही है, उसके आगे वाली भी अच्छी लग रही है। चलो चलते चलते देखती हूँ मैं। ये देखिए वीडियो, ये देखिए इनकी लाइटें बहुत प्यारी लग रही हैं, अभी तक लगा रखी, वैसे आधे लोगों ने उतार दी है ना, हमने तो अभी नहीं उतारी, कल उतार दूँगी। 8 नवंबर को ना उसका गुरु नानक का बर्थडे है, उस दिन भी जलाएंगे, उतारूँगे नहीं, मतलब कि ऐसे ही रख लेंगे, ऑफ करके रखेंगे। वो देखो किनका आगे दौड़ी जा रही है, भाग गई आगे आगे, ये लाइटें देखो, और वो सामने घर की जगमगाहट देखो कितनी प्यारी लग रही है। ये देखो पूरा दिवाली का लुक,
कितना प्यारा लग रहा है यार, ये पूरी दोनों बिल्डिंग में लाइटें लाइटें, ऐसे काश हमारे बिल्डिंग में भी लगी होती। ये ब्लू वाली लाइटें कितनी प्यारी लग रही हैं, देखो ये ब्लू वाली है, ये दूसरी वाली है, पर ये तो बहुत ही नज़ारा बड़ा अच्छा है, बहुत प्यारी लाइटें लग रही हैं, देखो यहाँ तक तो बहुत सुंदर लग रही हैं। गलती है ना, पर अभी भी लोगों ने लाइटें लगा रखी हैं, अच्छा लग रहा है मुझे। स्वाति और पापा पहले के निकले हुए, ठीक है, स्वाति और पापा पहले निकले, हम दोनों बाद में जा रहे हैं, ठीक है। आज रात का डिनर हम बाहर ही करेंगे, कहने आज हम डिनर बाहर करेंगे भाई। ये घर की लाइटें वो अच्छी लग रही है, वाली भी देखो, लाइटें बड़ी अच्छी लगती है ऐसे जगमग करते हुए, घर सुंदर सुंदर लाइटें लगा रखे हैं, देखो इनकी लाइटें ब्लू कलर अच्छी लग रही है, वो रंग बिरंगी ज़्यादा अच्छी लग रही है। पर वो लाइन वाली, पर ये घर की जगमगाहट तो कुछ अलग ही है भाई, दो तीन बिल्डिंगों की एक साथ और ये सामने वाले घर की भी एक साथ, मज़ा ही आ गया देख कर। लाइटें देख उन्होंने लगाई है, मज़ा मुझे आ रहा है। वो भाभी जा रही है आगे आगे, पकड़ो उसको जा रही। क्या हुआ, ये देखिए इनकी लाइटें कितनी प्यारी लग रही हैं, पूरा बड़ा सुंदर नज़ारा लग रहा है, पूरी दीवार पर लगाई इन्होंने ऐसे, ये भी अच्छी लग रही है। चल आगे चलिए, लाइटें वो वाली भी अच्छी लग रही है, वो थोड़ा पास जाके देखनी पड़ेगी मुझे। साथी कनिका क्या कह, साथी क्या कह रही है बता, ये अच्छी लग रही है लाइटें, दिख नहीं रही, दिख रही हैं वो रंग बिरंगी ज़्यादा अच्छी लग रही है, लाल वाली कनिका, उसके बीच में लाल लाइट अच्छी लग रही है ना, रेड अलग ही चमक मार रही है, पर अगर उन्होंने रेड ही लगाई होती तो अच्छी नहीं लगती, उन्होंने मिक्स का मिक्स एंड मैच लगाई है तो बहुत बहुत अच्छी लग रही है। हाँ वो मिक्स एंड मैच लगाई है ना, उसमें फिर रेड अच्छी लग रही है, पूरी रेड लगाई होती तो अच्छी नहीं लगती है कि नहीं। ये घर की लगा कवर करना था, ये वाला ये दिखेगा तो करती हूँ मुझे, ये वाला हाँ अच्छा लग रहा है, ये लाइट पूरे पूरी बिल्डिंग पर लगा रखी है और अच्छी लग रही है, खुशबू आ रही है लाइटों की, फूल कहाँ ने कमी घर में लाइटें लगी, ये लगी है, अरे सामने स्टैंड आ गया, लाइटें दिखा रहे हैं ज़्यादा लग नहीं रही। कनिका आज पता जगह जगह लिख के लगा रहे हो, यहाँ पे कोई नहीं मना कर रहा, यहाँ पे सब खींच रहे हैं, मैं कहा चल मैं भी खींच ही लेती एक वीडियो बना ही लेती। और यहाँ पे ना वो सब बनना शुरू हो गया है, पहली तारीख से लग जाएगी सजावट शुरू, लाइटें भी लगा दी तुमने, उधर ही हो जरा, मैं बनाई नहीं भूल गई, दोबारा नहीं होगा, दोबारा हो जाए थोड़ा उधर को हो जाए बस, नहीं होना तो मत, तो मैं तो बना लूँ, मत्था टेक ले। ये देखिए यहाँ पे ना 8 नवंबर को गुरु नानक का बर्थडे है, और इसके लिए यहाँ पे चारों तरफ ये जो दिख रही है जगह, यहाँ पे दुकानें लगेंगी, हर साल लगती हैं, इस साल भी लगेंगी, लाइटें भी लग गई हैं और अभी जलाई नहीं इन्होंने, और वो भी बना लिए स्टैंड से, बनाते हैं ना जो टेंट वेंट लगा के, जिसमें गुरु नानक की सारी उनकी वो जो उन्होंने वो की थी, मतलब जगह जगह गए थे, वो सारी फोटो लगेंगी वहाँ पे। चलो हम जा रहे हैं लंगर खाने। देखिए व्यूअर्स 12 बज रहे हैं रात के, और सफाई हो रही है यहाँ पे, हाँ ये देखो सफाई हो रही है, 12 बज रहे हैं, कितनी संगत है, बाप रे कितनी संगत, रात के 12 बजे, रात के 12:30 बज रहे हैं, देखो अंदर पता कितनी लंबी लाइन लगी हुई है चाय की लाइन लगी यार, उसे साथ ही जाके लग गई है, पहले वो बर्तन सेवा कर रही थी कि पापा की चप्पल खो गई है, वो चप्पल ढूंढ रहे हैं,
हनीका उनके पीछे पीछे है और रात के 12:30 हो रहे हैं। देखो चप्पल ढूंढो अभियान जारी है, उसके पापा चप्पल ढूंढने में लगे हैं, कनिका भी ढूंढ रही है और गुरुद्वारे से उन्होंने एक एक्स्ट्रा चप्पल दे दी है, पर उनके पापा को फिटे भी आ रही है, मतलब इनका पैर बड़ा है और वो चप्पल छोटी है, अब देखो क्या होता है। मैंने तो कहा वही पहन के चले जाओ, कुछ नहीं होता, हम ऑटो करके घर चले आते हैं, घर के आके उतरेंगे फिर ऊपर चढ़ जाना, कल नहीं कर लेना बोल रही हूँ। पता नहीं कहाँ चली गई चप्पल, यहाँ पे ना धो रहे थे। रात का 1 बज रही है, हम अभी बैठे हुए हैं पे, स्वाति बैठी है और मोबाइल पे लगी हुई है, बातें तो मोबाइल पे लगी है, रात के 1 बज रहा है ना, कि पापा अभी तक चप्पल ही ढूंढ रहे हैं बेचारे। मैं कह रही चप्पल ही ढूंढ रहे हैं कि पापा लास्ट कोशिश कर रहे हैं, उसके बाद फिर घर जा रहे हैं हम लोग, क्या कर सकते हैं। पर रात के 1 बज गया गुरुद्वारे में, आज रिकॉर्ड तो हो गया।